हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ऑल आई यू ऑल आर फाइन टुडे वी विल डू वर्क ट्वेंटी फाइव सब्जेक्ट साइंस क्लास सिक्स द टॉपिक ऑफ़ द वर्कशीट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग्स इन दिस वर्कशीट स्टूडेंट वी विल स्टडी अबाउट करैक्टरस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स जो लिविंग बींग्स हैं उनकी हम करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे इस वर्कशीट में इट्स फूड द नीड ऑफ ऑल लिविंग बींग्स जो जीव हैं क्या उन सबके लिए खाना जरूरी है यस कोर्स विदाउट फीड विदाउट फूड वी कांट गेट एनर्जी बिना फूड के हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी नहीं मिलेगी तो हमें खाना खाना चाहिए जरूरी है ना हमारे लिए खाना खाना तभी तो हमारी एनर्जी मिलेगी हम काम कर पाएंगे ओके टू इंश्योर प्रॉपर एनर्जी फॉर ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दे नीड टू हैव फूड हमारी ग्रोथ के लिए हमें भोजन की जरूरत होती है आपके पेरेंट्स भी पे कहते हैं दूध पी लो बड़े हो जाओगे ग्रोथ हो जाएगी तो हमें फूड किस लिए चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए द सेम एनर्जी इज नीडेड टू परफॉर्म द अदर लाइफ प्रोसेसिस इन दैम और वही एनर्जी से हम जो है अपनी लाइफ के दूसरे प्रोसेस जो है वो हो पाते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी प्लांट्स ऑल्सो मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स भी लिविंग बींग्स हैं ना तो उन्हें भी खाने की जरूरत होती है फूड की और वो अपना खाना कैसे बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा फोटोसिन्थेसिस क्या है? वो होता है प्रोसेस तो होता है टू मेक फूड और प्लांट्स जिस प्रोसेस से पौधे जो है खाना बनाते हैं आपको पता है कि सीओ टू लेते हैं एयर से वाटर लेते हैं ग्राउंड से और क्लोरोफिल होता है जिसके प्रोसेस के थ्रू वो जो है अपना फूड बनाते हैं ओके तो हम सबको खाने की ज़रूरत है जो भी लिविंग बेंग्स है एवरी वन नीड्स फूड ओके आगे देखिए लेट्स एक्सरसाइज राइट द टाइप ऑफ फूड ईट नीचे कुछ एनिमल्स दे रखे हैं वो क्या खाना खाते हैं कौन सा फूड खाते हैं उनके बारे में बताना है कि वो क्या फूड खाते हैं ये देखिए क्या है हमारी कैट कैट क्या खाती है मिल्क पी जाती है रेड खाती है चपाती खाती है ये इसकी फूड है और ये देखिए क्या है एंट एंट क्या खाती है कुछ भी गिर जाए खाने का ये पीस ऑफ फूड और डेड ऑर्गेनिज्म कोई भी मर जाए कोई मच्छर मक्खी उसको भी खाती रहती है ना एंड देखा होगा आपने और ये देखिए ये डियर डियर क्या खाता है ग्रास खाता है लीव्स खाता है प्लांट खाता है ये डियर का फूड है ओके okay, आगे देखते हैं यस हैव यू ऑब्जर्व हाउ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो जीव है वो वृद्धि करते हैं आपने ऑब्जर्व किया है वो ग्रो करते हैं देखिए नीचे पिक्चर भी दे रखी है देखो सीड है सीड से थोड़ा सा जर्मिनेट हुआ बड निकली फिर देखो टू लीव्स निकल गए फिर ऐसे ऐसे ये ग्रोथ करता है प्लांट भी ऑल और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो इन साइज डे बाई डे आप भी देखो आप सिक्स क्लास में हो फिर सेवंथ में होंगे तो आपकी टू थ्री इंच हाइट बढ़ जाएगी फोर्थ में थे तब आपकी टू थ्री कम थी फिफ्थ में टू थ्री बढ़ी ऐसे आपकी ग्रोथ होती है इसी तरह प्लांट्स की भी नीचे पिक्चर में दिखा रखा है ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन एंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ क्या होती है हमारी सेप और साइज में चेंज को ही हम ग्रोथ बोलते हैं ओके okay. और क्या है लिविंग बींग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स इज रेस्परेशन ए कॉमन फैक्टर इन ऑल लिविंग बींग्स लिविंग बींग्स क्या करते हैं रेस्पिरेशन करते हैं करते हैं बिल्कुल रेस्परेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव हम रेस्परेशन कैसे करते हैं हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच their बॉडी गेंस एनर्जी फ्रॉम द फूड दे टेक जो हम फूड खाते हैं उससे हमें एनर्जी कैसे मिलती है वो उसमें जो है हम ऑक्सीडेशन होता है खाने का खाने जो है दहन होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है सम एनिमल्स डू हैव डिफरेंट मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज कुछ एनिमल्स के जो है कुछ डिफरेंट ही मैकेनिज्म होते हैं गैस बाहर निकालने के अंदर लेने के जैसे आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल

होल्स होते हैं जिससे वो क्या करती है एक्सचेंज ऑफ गैसेज देर लिवस कंटेन टाइनी पोर्स थ्रू विच दे रिलीज ऑक्सीजन एंड यूज कार्बन डाइऑक्साइड उससे वो क्या करती हैं ऑक्सीजन को रिलीज करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं यूज करती हैं ओके okay, तो अब जो है इसमें डिफरेंस भी दे रखा है ये देखिए डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्परेशन क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग का और रेस्परेशन का ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग ऑफ द गैसेज बिटवीन द सेल्स एंड द एन्वायरमेंट जो एन्वायरमेंट और हम जो अंदर लेते हैं एन्वायरमेंट से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं वो प्रोसेस किसका है वो ब्रीदिंग में करते हैं हम ब्रीदिंग क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस है और जो रेस्परेशन है जिससे खाना जो है डिजोल्व होता है बर्न होकर हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम गैस को यूज़ करते हैं वो रेस्परेशन होता है वो कैसा है केमिकल प्रोसेस है रेस्परेशन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट तो टेक्स प्लेस विद इन द सेल इट्स तो सेल के अंदर जो होता है प्रोसेस वो एक केमिकल प्रोसेस है उसको हम रेस्परेशन बोलते हैं ओके okay? अब ये देखिए क्वेश्चन करते हैं हम नेम एनी फाइव थिंग्स इन विच यू डू नॉट सी ग्रोथ कोई भी पांच चीज़ों के नाम बताओ जिसकी ग्रोथ नहीं होती है तो जिसकी ग्रोथ नहीं होती इसका मतलब नॉन एनिमेट थिंग्स है आपके घर में नॉन एनिमेट थिंग तो बहुत सारी होंगी टेबल चेयर मोबाइल लैपटॉप तो आप किसी भी पांच चीज़ों के नाम लिख देना जैसे मोबाइल स्टोन्स टेबल चेयर मिररर कोई भी पाँच एनी फाइव नॉन एनिमेट थिंग्स यू कैन राइट हीयर ओके सेकेंड क्वेश्चन इज ब्रीदिंग इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है इनहेल करना और एक्सहेल करना भाई रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस तो रेस्परेशन क्या है हमारा केमिकल प्रोसेस है तो स्टूडेंट आज आपको लिविंग बींग की करेक्ट्रिस्टिक्स के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिला थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हैवे नाइस डे